लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि यदि सही तरीके से पौध नहीं लगाई जाती है तो उसके सक्सेस रेट बहुत ही कम मिलते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 1 से 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना है, और जो गड्ढा है वो चौड़ा या कहें कि वाइड होना चाहिए। यदि संकरा या फिर नैरो गड्ढा होगा तो दिक्कत होती है, उसमें हमें इरिगेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है और वाटर रिटेंशन बहुत अच्छा होता है। तो यदि हम गड्ढा खोदने के बाद इस तरीके से, आप देखिए ये है प्लांट, और अगर हम इसे इस गड्ढे की गहराई में लगा देंगे, सबसे नीचे लगा देंगे, और ऊपर तक अगर हम इसे मिट्टी से कवर कर देंगे तो ये क्या होगा, पूरा सड़ जाएगा। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले गड्ढे को खोद लेना है गहरा, लेकिन उसके बाद हमें वापस से थोड़ी मिट्टी वापस उसको कवर कर देना है, है ना। तो इससे क्या होगा, थोड़े से हमारे जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो भी थोड़ा सा खुल जाएंगे। अब देखिए, अब ऑलमोस्ट इसका लेवल सॉइल सरफेस तक आ चुका है मिट्टी से कवर करने के बाद। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे इस प्लांट को और इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। अब देखिए, जनरली क्या होता है, कई बार हम फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं और वहाँ पे हमें नहीं हो पाता है कि हम रेगुलरली विज़िट कर सकें पॉइंट, मतलब प्लांट अगर हम लगा रहे हैं तो उसकी देख रेख के लिए हम रेगुलरली नहीं जा सकते, अगर ऐसा एरिया है फॉरेस्ट का। तो उसके लिए क्या है, अगर हम पौधे को सही तरह से लगा कर आएंगे, सही तरीके से लगा कर आएंगे, तो उसके चांसेस सक्सेस रेट के बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें पौध लगाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। आज यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है तो मिट्टी काफ़ी गीली है, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस भी कम है क्योंकि बिल्कुल हम बाउंड्री साइड पर लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी जगह मिल जाती है तो आप अच्छे से गड्ढा खोद सकते हैं और अच्छी तरह से सॉइल से कवर कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन कई सारे जो रैपर होता है या कहीं की जो पॉलीथीन होती है प्लांट की, जो नर्सरी से मिलती है हमें, वो पॉलीथीन वहीं फेंक कर चले जाते हैं। तो इस तरह से कूड़ा नहीं फैलाना है, हमें अपने साथ उस पॉलीथीन को लेकर जाएँ और डस्टबिन में डालें घर जा करके।